आज हम आपको हरियाणा के केटी कैंपस का दूसरा सेट करवाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब किए करिए, कैंपस नाम इस चैनल है जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, हरियाणा में सर्वप्रथम एनसीसी एकेडमी कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन है अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद। इसका आंसर आएगा करनाल। सेकेंड क्वेश्चन, स्लेट का पत्थर खनिज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? ये ऑप्शन है महेंद्रगढ़, अंबाला, भिवानी, पानीपत। इसका आंसर आएगा महेंद्रगढ़। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम 1997 का पुनर्गठन कब किया गया था? इसका ऑप्शन है 1998, 1996, 2000 और 1999। इसका आंसर आएगा 1998। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना स्थित है? ऑप्शन है पानीपत, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, जज्जर। इसका आंसर आएगा जज्जर में, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना जज्जर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर फाइव, हरियाणा विधानसभा में जीएसटी विधेयक कब पारित किया गया था? इसके ऑप्शन है 9 मई 2016, 4 मई 2017, 4 मई 2016, 9 मई 2017। इसका आंसर है 4 मई 2017 को जीएसटी विधेयक पारित किया गया था हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हरियाणा में स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए निवेश करने की इच्छा जताई है? इसके ऑप्शन है UAE, बी फ्रांस, इसराइल या कनाडा। इसका आंसर आएगा कनाडा। कनाडा ने स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए इच्छा जताई है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, पंडित नेकीराम का जन्म स्थल है? ऑप्शन है भिवानी, इसार, नारनौर, रोहतक। इसका आंसर आएगा भिवानी में पंडित नेकीराम का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर आठ, शेरशाह सूरी ने अपने दादा की याद में निर्मित इब्राहिम खां का मकबरे का निर्माण करवाया है, मतलब इब्राहिम खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पानीपत, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ और नारनौल। इसका आंसर आएगा नारनौल। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन, हरियाणा में फूड पार्क स्थित है? ऑप्शन है जींद, सोनीपत, अंबाला और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर दस देखिए, हरियाणा राज्य गठन के समय विधानसभा सीटों की संख्या थी? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 73, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन डी 61। इसका आंसर है ऑप्शन सी 54। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन था या कौन थी? इसका आंसर है श्रीमती सन्नू देवी, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बहुत बार आया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रशासनिक हिसार मंडल में निम्नलिखित जिले आते हैं? हिसार, फतेहबाद, सिरसा या उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पुवार के पास निम्न में से कौन सा मंत्रालय है? ऑप्शन है खनन एवं भू विज्ञान, ऑप्शन बी उद्योग एवं वाणिज्य, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी जेल व आवास विभाग। इसका आंसर आएगा जेल व आवास विभाग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हरियाणा के सभी गांवों को केरोसिन मुक्त कब किया गया था? इसके ऑप्शन है 31 मार्च 2017, या 21 मार्च 2017, या 31 जनवरी 2017, या 21 मार्च 2018। इसका आंसर आएगा 21 मार्च 2017 को। अगला क्वेश्चन है, टांगरी नदी का उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियों, धरतीधर नामक पहाड़ियों, या मोरनी की पहाड़ियों, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आएगा मोरनी की पहाड़ियाँ में से टांगरी नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है, ओटू झील कहाँ पर स्थित है? ओटू झील स्थित है सिरसा में। ये इसका आंसर है। इसके ऑप्शन थे सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। ये सिरसा में स्थित है ओटू झील। क्वेश्चन नंबर 17 है, यमुनानगर में स्थित कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया था? इसको किया गया था राष्ट्रीय पार्क घोषित 2003 को। इसके ऑप्शन थे 2014, 2016, 2004 और 2003। इसमें करेक्ट आंसर 2003 है। क्वेश्चन नंबर 18, उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र स्थित है? ऑप्शन है यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत। इसका आंसर आएगा कुरुक्षेत्र में उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा में पहला बस डिपो 7 सितंबर 1950 में कहाँ स्थित किया गया था? पहला बस डिपो 7 सितंबर 1950 में कहाँ स्थित किया गया था? इसके ऑप्शन है करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला। इसका आंसर आएगा अंबाला में पहला बस डिपो स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20,
कुश्ती में जानी मानी हस्ती योगेश्वर दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से? ऑप्शन है सोनीपत, रोहतक, हिसार या कैथल। इसका आंसर आएगा सोनीपत। क्वेश्चन नंबर 21, दीनदयाल जन आवास योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक बेघर को घर किस वर्ष तक मुहैया करवाया जाएगा? ये सेंटर का क्वेश्चन, सेंटर में भी आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 2022, बी 2025, सी 2027, 2019। देखिए, जो दीनदयाल जन आवास योजना है इसके तहत हरियाणा में 2022 तक प्रत्येक को घर मुहैया कराया जाएगा। इसका आंसर है 2022। अगला है, पेपर सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? पेपर सिटी, पेपर सिटी के ऑप्शन है गनोर, गुरुग्राम, रेवाड़ी या जगाधरी। इसका आंसर आएगा जगाधरी को। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, पशुओं की मुंह खुर बीमारी से पूर्णतः छुटकारा पाने वाला भारत का प्रथम राज्य है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। इसका आंसर आएगा हरियाणा। 24वां क्वेश्चन, मामा भांजा मुगल सराय का निर्माण किस काल में हुआ था? मामा भांजा मुगल सराय का निर्माण, ऑप्शन है मुगल काल, मराठा काल, सी मौर्य काल या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा मुगल काल। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से हिरणा का ताजमहल के नाम से जाना जाता है? शाहजहां का मकबरा, शेरशाह खां का मकबरा, बाबर का मकबरा या हुमायूं का मकबरा। इसका आंसर आएगा ए, शाहजहां का मकबरा। धन्यवाद दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।